नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूएस 24 न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी हूँ दरभंगा जिला के केवटी ब्लॉक अंतर्गत बनवाड़ी गांव आजाद नर्सरी में। मैं नर्सरी के अंदर जाऊंगा और नर्सरी के ऑनर से बात करूंगा और यहां पर यह पूछूंगा कि इस नर्सरी में, आजाद नर्सरी में, कौन कौन सा पौधा मिलता है। जो फ्लावर्स आप देख रहे होंगे, ये कितना पतला पौधा है और इसमें कितना अच्छा लग रहा है। नर्सरी के ऑनर से बात करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं कि इसके नर्सरी में कौन कौन सा पौधा मिलता है। आपको मालूम होगा कि अभी वृक्षारोपण का सीजन चल रहा है और बरसात का मौसम है। अभी के सीजन में जो भी वृक्ष या जो भी पौधा लगाता है वो 90% जो है सो लग जाया करता है। आजाद नर्सरी के जो ऑनर है वो मोहम्मद नजामुद्दीन हैं। चलिए उनसे मैं बात करता हूँ। चलेंगे आप और आप बताएंगे ये जो पौधा है ये कौन सा है? ये एल्केरिया हो गया। एल्केरिया, इससे क्या फायदा? ये शो प्लांट है, बस ऐसा ही शो रहता है, इसका खूबसूरती का चीज़ है ये। तो आपके नर्सरी में कौन कौन सा पौधा मिलता है? बहुत सारा मिलता है, जैसे एल्केरिया हो गया, मोरपंखी हो गया, झौवा हो गए, क्रिसमस का पेड़ हो गया, बहुत सारे रहते हैं। अच्छा, तो इस आम के वृक्ष में आपके नर्सरी में कितनी क्वालिटी का पौधा है? मेरे नर्सरी में पूरा 125 क्वालिटी है। कौन सी वृक्ष, किस वृक्ष? आम का, ओनली फॉर आम का जी। आप 5-7 आम के जो है सो प्रजाति का नाम बताएंगे? अम्रपाली, एल्फेंसो, मलका, चौसा, बागबहार, बहुत सारे रहते हैं, नए वैरायटी में भी, पुराने वैरायटी में भी। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ, नर्सरी के अंदर जाता हूँ और आपको इसकी नर्सरी की, आजाद नर्सरी की क्या खासियत है उसके बारे में बात करता हूँ। मैं आगे कैमरा मैन से कहूँगा कि आप चारों दिशा की जो है सो नर्सरी के चारों साइड का जो है सो दृश्य दिखाएंगे पब्लिक को। और मैं नर्सरी के अंदर बहुत सारे पौधे हैं जी। इधर आप एक बात मैं मुझे बताएंगे कि इस नर्सरी में इस साइड और इस साइड दोनों साइड आम का वृक्ष है, तो इस साइड में कौन सा पौधा है आम का, इस साइड में कौन सा है? ये दोनों साइड मिक्स है। अच्छा, दोनों साइड में ज्यादातर यहाँ जो आपके नर्सरी में है जी, कौन सा आम का पौधा ज्यादातर बिकता है और कौन सा जो है फेमस है? ज्यादा मेरे नर्सरी में बिकता है मालदा, किशनभोग, कलकतिया, बम्बई। हाँ, ये तो बिहार में जो है सो सबसे फेमस है मालदा बिहार का, और किशनभोग और कलकतिया तो यहाँ मिलता ही होगा। चलिए मैं आपसे, आप ये बताएंगे दोनों साइड आम का वृक्ष है तो इस साइड में कौन सा पौधा है आम का, इस साइड में कौन सा है? ये दोनों साइड मिक्स है। अच्छा, दोनों साइड में ज्यादातर यहाँ जो आपके नर्सरी में है जी, कौन सा आम का पौधा ज्यादातर बिकता है और कौन सा जो है फेमस है? ज्यादा मेरे नर्सरी में बिकता है मालदा, किशनभोग, कलकतिया, बम्बई। हाँ, ये तो बिहार में जो है सो सबसे फेमस है मालदा बिहार का, और किशनभोग और कलकतिया तो यहाँ मिलता ही होगा। ये क्या है? अर्जुन है। अर्जुन, इसका उपयोग? इसका उपयोग लकड़ी में काम आता है। अच्छा, इसका मतलब लकड़ी होता है बहुत सारा, लकड़ी बनता है, रोड साइड सब में नहीं रहता है। हाँ, अर्जुन का गाछ, वही अर्जुन का चीज का पौधा है, सागवान हो गया ये, सागवान। तो इसका उपयोग किस इसका में भी है? लकड़ी में आता है उपयोग। तो ये अगर पौधा कोई किसान लगाता है तो ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? लकड़ी के लिए अवेलेबल कितने सालों में हो जाएगा? अवेलेबल लमसम 20 साल। अगर 20 साल ये पौधा जमीन से में लगाता है तो ये एक पेड़ से जो है सो कितना वो इनकम कर सकता है 20 साल में? 80-90 हज़ार रुपया तो जरूर इनकम हो सकता है एक से। देखिए, ये सागवान का पौधा है, ये छोटा सा पौधा है सागवान का, फ्लावर्स की तरह लग रहा है, लेकिन अगर इसको 20 साल कोई किसान लगाते हैं तो बताते हैं ये ऑनर कि लगभग 80 हज़ार तक इससे इनकम किया जा सकता है। नर्सरी कब से चल रहा है ये? नर्सरी लमसम 50 साल से होगा। 50 साल से? कौन आपके पिताजी चला रहे थे? हमारे फादर पहले चलाते थे, हमारे फादर एक्सपायर कर गए, उसके बाद हम चलाते हैं। तो इस नर्सरी में आपको अगर सीजन में कितना पौधा आम का सेल हो जाता है? सीजन में लमसम 2-3 गाड़ी तो सेल हो ही जाता है। मतलब अगर बताया जाए तो 1000 में कितना? हज़ार में तो 2000-2500 लमसम 3000 तक के घिंचा जाता है सीजन में, ऑफ सीजन में तो नहीं कहेंगे। आजाद नर्सरी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पे जो पौधा होता है, कोई भी पौधा, किसी भी तरह का पौधा, उसमें जो है केमिकल नहीं डालते हैं, मतलब खाद नहीं डालते हैं। ये और अमरूद के पौधे में और इसमें क्या फ़र्क है? और अमरूद में और ये अमरूद में ये फ़र्क है कि इसका फल का साइज बड़ा होता है, ये इलाहाबादी अमरूद है, और जो जनरल वाला होता है वो छोटा छोटा होता है, गाँव घर वाला, वो बेस्ट नहीं होता है, ये इलाहाबादी अमरूद। तो ये इस अमरूद का जो अंदर का भाग होता है वो कौन सा कलर होता है, रेड या फिर वाइट में? या वाइट होता है, वाइट। और टेस्ट में कैसा होता है, मीठा में? मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इधर के जो जमीन है, मिट्टी जो है इधर का, इस लोकेलिटी का जो मिट्टी है, क्या उसमें इस अमरूद का पौधा लग जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेगा, कहीं भी लग सकता है। क्या रेट रखे हैं इसका? इसका प्राइस पड़ता है 150 रुपया एक पेड़ का जी।
और आपके यहाँ मालदह कलकतिया का आप दो चार ऐसा पौधा के नाम बताएंगे आम का, किस रेट में आपके यहाँ सेल होता है? कोई भी मालदा का गाछ हो या कलकतिया का गाछ हो, ये सब साइज के ऊपर रेट होता है। मतलब जितना बड़ा होता है उतना। मिनिमम कितना? मिनिमम ज्यादा सबसे बड़ा साइज का होता है तो 800 का जोड़ा भी होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो 200 का भी जोड़ा होता है। तो मतलब सब क्वालिटी का आता है इसमें। मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे मेहंदी का पेड़ है जी, मेरा नजर गया है, तो क्या ये मेहंदी का पौधा भी आप बेचते हैं? जी, मेहंदी का पौधा तो ऐसे बेचते नहीं है, कस्टमर सब हम यूं ही दे देते हैं। देख रहे थे आजाद नर्सरी का ये रिपोर्ट, और मैं बता दूं आपको, यह आज़ाद नर्सरी दरभंगा वाली रोड जो क्योटी ब्लॉक के अंतर्गत बनवारी चौक पे है, और यह जो है चौक से पश्चिम साइड में है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का फूल का पौधा हो या फल का पौधा हो या कोई भी खूबसूरती के लिए, अगर मकान सजाने के लिए अगर आप लोग को छोटा छोटा पौधा या बीज लेना हो, तो आप आज़ाद नर्सरी में आएँ और आप उचित मूल्य पर अच्छे क्वालिटी का पौधा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूँ, धन्यवाद।